Hello everyone, welcome back to my channel. I'm Shrimai. So in today's video I'll be showing you a photo booth frame as well as a birthday chalkboard design. If you have already watched our previous video, which is our daughter's birthday celebration, then you might have seen little bit of glimpse of how we did it, but as I promise, I'm going to show you in details in this video. But if you haven't watched the video, then I'll leave the video link in the description box below as well as at the end of this video. So aap इस वीडियो को देखने के बाद वो वीडियो डेफिनेटली चेक कीजिएगा. लेकिन ये वीडियो देखने से पहले अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. सो लेट्स बिगिन विद द DIY फोटो बूथ फ्रेम. उसके लिए आपको क्या चाहिए कि फर्स्ट एक फोम बोर्ड चाहिए. हम लोगों ने यहाँ पे वाइट कलर का लिया है. उसके बाद आप लोग को कुछ रूलर या फिर मेजरिंग टेप और एक पेंसिल चाहिए. तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड पहले क्या कर रहे हैं कि चारों तरफ से दो दो इंच का मेजरमेंट लगा के चारों ओर से एक एक यू नो पेंसिल पे यानी विद और विद द हेल्प ऑफ ए पेन उसको मार्क कर रहे हैं सो दैट इट विल बी ईजी टू नो हम लोग कहाँ से कट करना है. और जैसे कि आप लोग देख सकते हो अभी हम लोग पेंसिल में चारों ओर से यू नो रोल यानी कि निशान काट रहे हैं. उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि विद द हेल्प ऑफ ए यू नो कटर मैं यहाँ पे सारे मतलब डायरेक्टली उसको कट नहीं कर रही हूँ, धीरे धीरे करके पहले कुछ कुछ निशान छोड़ रही हूँ जैसे कि थोड़ा पंच करने का टाइप का. उसके बाद मैं उसको आराम से कट कर लूँगी. उससे क्या होगा कि आपका जो कटिंग है वो हार्श नहीं दिखेगा और ईजिली कट भी जाएगा. तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो अभी जो बोर्ड का अंदर का पोर्शन जो है वो आराम से निकल गया है और हम लोग को जो रॉ वाला फोटो फ्रेम मिल चुका है. अभी इसको हमें डेकोरेट करना है. तो डेकोरेट करने के लिए आप यू नो वाइट भी ऐसे ले सकते हो, उसमें कुछ यू नो कलर का स्टिकर्स लगा सकते हो, लेकिन मैं अपने बर्थडे की थीम के हिसाब से यहाँ पे गोल्ड कलर का डेकोरेट करने वाली हूँ. तो उसके लिए मैं क्या की हूँ, पेंट ली हूँ, गोल्डन कलर का पेंट ली हूँ और दो ब्रश ली हूँ. आप कोई भी यू नो पेंटिंग ब्रश ले सकते हो और अभी मैं इसको पेंट कर रही हूँ. तो मैं यहाँ पे आराम से दो तीन कोट तो लगाई हूँ ताकि कोई भी निशानियाँ यानी कि कोई भी स्ट्रोक्स ना दिखे. और मेक श्योर कीजिएगा कि यू शुड पेंट इन वन डायरेक्शन एंड आफ्टर पेंटिंग आप मेक श्योर टू चेक इट इन द डे टाइम लाइट तो ताकि आपको अच्छे से दिखे कि यहाँ पे कोई भी निशान नहीं है. देन लेट इट ड्राई फॉर एटलीस्ट 48 आवर्स. मैं जिस तरह से यू नो कलर थीम चूज़ की हूँ फॉर दिस, यू कैन गो फॉर दिस टाइप ऑफ फोटो फ्रेम नॉट ओनली फॉर बर्थडे. आप इसको यू नो शादी में यूज़ कर सकते हो, मैटरनिटी फोटोशूट में यूज़ कर सकते हो, कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो सिवाय इसके यू नो वो राइटिंग पार्ट को अगर हटा दे तो. तो अभी चलिए मेरा फोटो बूथ फ्रेम जो है ड्राई हो चुका है. अभी हम इसको डेकोरेट करते हैं फ्लावर की मदद से. तो मैं यहाँ पे वो प्लास्टिक फ्लावर जो मिलते हैं वो ली हूँ. मैं यहाँ पे कलर स्कीम सिलेक्ट की हूँ पीच एंड पिंक कलर का जो मेरे बर्थडे के थीम के हिसाब से मैच करता है. अगर नहीं भी है तो भी आप ये कलर कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो. अभी स्पेशली समर के टाइम पर तो आराम से बहुत अच्छा दिखेगा. अभी मैं क्या की हूँ, ये कटर की मदद से मैं अभी प्लास्टिक फ्लावर को कट करूँगी थोड़ा सा उसका स्टेम को रख के ताकि वो इजी होगा स्टिक करने में हमारे फोटो बूथ फ्रेम में. तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो इतना इतना उसका जो डंडिया है यानी कि जो स्टेम है वो इंटैक है उसके साथ. और मैं क्या की हूँ इसके लीव को भी इंटैक रखी हूँ ताकि वो अच्छा सा लुक दे सके. तो उसको ग्लू में चिपकाने से पहले आप रफली ऐसे डेकोरेट कर सकते हो. तो मैं एक सिंपल सा डिज़ाइन चूज़ की. मैं क्या की कि फ़ोटो बूथ फ्रेम के दोनों तरफ मैं एल शेप में ये जो फ्लावर्स है इसको चिपकाने वाली हूँ. तो मैं पहले क्या की, पहले एल शेप में जो फ्लावर्स है उसको चिपका दी और जैसे ही मुझे लगा कि ये डिज़ाइन मुझे अच्छा लग रहा है उसके बाद मैं ग्लू गन के मदद से मैं फ्लावर्स को चिपका दी. तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो फर्स्ट फ्लावर को मैं क्या की जो फ़ोटो बूथ फ्रेम के जो लाइक अंदर की तरफ मूव करके उसको चिपका रही हूँ ताकि जब आप फोटो ले तो वो सारे फ्लावर्स के जो पेटल्स हैं वो आपके तरफ फेस कर रहे होंगे तो वो अच्छा दिखेगा जब फोटो ले रहे हो. तो उसके बाद मैं एक एक करके उसको जैसे चिपकाने से पहले फिर भी एक बार चेक कर रही थी, फिर उसमें ग्लू गन की मदद से फिर ग्लू लगा रही थी और फिर बाद में वो फोटो बूथ फ्रेम में चिपका रही थी. आप कोई भी यू नो ग्लू ले सकते हो लेकिन ये ग्लू गन इलेक्ट्रिक वाला बहुत अच्छा रहता है, इजीली आराम से चिपक जाता है.
लेकिन मेक श्योर कीजिएगा आप कोई भी डिज़ाइन कर रहे हो पहले रफली उसको चिपकाने से पहले एक बार आप अच्छे से देखिए, उसके बाद आप उसको स्टिक करना शुरू कर दें। ऐसे आराम से आप ऐसे इसको चिपका सकते हो बिल्कुल बहुत इजीली और बहुत सस्ते में। इनफैक्ट हो गया था ये वाला फोटो फ्रेम। कुछ नहीं करना है आपको, एक वाइट कलर का फोम बोर्ड लाना है जो आपको कोई स्टेशनरी शॉप में मिल जाएगा, उसके बाद उसको पेंट करना है और बस थोड़े से प्लास्टिक फ्लावर लाना है, वो भी आपको कोई स्ट्रीट मार्केट में मिल जाएगा या और अगर आप यहाँ पे यूएस में रह रहे हो तो आपको डॉलर शॉप में, वॉलमार्ट पे, कहीं पे भी मिल जाएगा। उसको कट करना है और बस चिपकाना है और उसके बाद आपका फोटो फ्रेम हो गया। बहुत ही सुंदर दिखता है और बहुत वर्सेटाइल है, आप कोई भी फंक्शन में, पार्टी पे, कहीं पे भी यूज कर सकते हो। लेकिन क्योंकि ये बर्थडे के लिए था तो उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, मेरी बेटी के बर्थडे के हिसाब से हैप्पी फर्स्ट बर्थडे प्रिशा हम लिखे थे। तो राइटिंग पार्ट के लिए मेरे हस्बैंड ने क्या किया, कंप्यूटर में एक अच्छा सा फॉन्ट चूज किया और वो फॉन्ट को प्रिंट आउट उसके प्रिंट आउट निकाल लिए और उसके बाद एक हम लोगों ने ग्लिटर वाला सिल्वर पेपर चूज़ किए ताकि वो अच्छे से कॉन्ट्रास्ट में दिखेगा। गोल्डन फोटो फ्रेम में सिल्वर का यू नो राइटिंग पार्ट होगा तो उसका वो फिर प्रिंट आउट को हम लोगों ने उसके हिसाब से वो सिल्वर पेपर में कट कर लिए। मैं डेफिनेटली बोलूँगी अगर आप चाहते हो तो वो स्टिकर भी चिपका सकते हो, हैप्पी बर्थडे वाला जो नॉर्मली यू नो ABCD वाला स्टिकर आता है वैसा भी, लेकिन हमें ये वाला बहुत ही रॉयल लुकिंग और क्लासिक यू नो फीलिंग आया और मेरे हस्बैंड को वो वाला बिल्कुल पसंद नहीं था तो ये हम लोगों ने ये वाला ऑप्शन चूज़ किया। ये डेफिनेटली थोड़ा यू नो टाइम टेकिंग है, वो कट करना इज़ वेरी प्रिसीजन और मेरे हस्बैंड ने बहुत अच्छे से किया था, लेकिन ये हम लोगों के हिसाब से हमें बहुत अच्छा लगा। इवन दो इट्स लिटिल बिट टाइम टेकिंग टू यू नो टू कट ऑल दिस थिंग बट द अल्टीमेट रिजल्ट इज़ ब्यूटिफुल एंड यू नो वर्थ स्पेंडिंग ईच मोमेंट। तो उसके बाद हम लोगों ने कट करके फिर उसको वो बोर्ड पे चिपका दिया। ये आप लोग जैसे कि देख सकते हो मेरे हस्बैंड अभी चिपका रहे हैं। तो बस हो गया हम लोग का DIY फोटो बूथ फ्रेम रेडी। आशा करती हूँ कि आप लोग को भी ये वाला फोटो फ्रेम बहुत अच्छा लगा हो और देखिए फोटोज में भी ये फोटो फ्रेम कितना सुंदर लग रहा है। तो अभी चलिए हम लोग का सेकंड वाला DIY जो है बर्थडे चॉकबोर्ड। तो ये हम लोग के ज़माने के जो ब्लैक बोर्ड आता है उसमें चॉक में लिखना नहीं होता, ये बेसिकली ब्लैक कलर का फोम बोर्ड में आपको कलर मार्कर से लिखना है। तो लेकिन ऐसा देखिएगा जैसे कि आप ब्लैक बोर्ड में कलर चॉक पेंसिल से लिखे हो। तो चलिए देखते हैं इसके लिए क्या क्या चाहिए। उस आपको बनाने के लिए चाहिए एक ब्लैक कलर का फोम बोर्ड, एक रूलर यानी कि एक स्केल, एक पेंसिल या पेन और कलरफुल मार्कर्स। यहाँ पे मैं मेटेलिक मार्कर ली हूँ। तो फर्स्ट यहाँ पे मेरे हस्बैंड हमारी बेटी प्रिशा के नाम के प्रिंट आउट ले आए थे 2 A4 शीट में। तो हम लोगों ने ये ब्लॉक्स वाला लेटर चूज़ किए थे जिसके अंदर उसका नाम रहेगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ वो A4 साइज पेपर बोर्ड के ऊपर रख के पेन के मदद से और वो रूलर के मदद से थोड़ा ज़्यादा प्रेस कर करके दबा दबा के उसको नाम को लिख रही हूँ ताकि वो अच्छे से जब मैं ये पेपर हटाऊँ वो अच्छे से उसका निशानियाँ छोड़ दे और उसके बाद मुझे इजी हो जाए उसका नाम बाद में मेटालिक मार्कर से लिखने के लिए। जैसे कि आप लोग देख सकते हो वो निशान कितने अच्छे से छोड़ा है। तो अभी मैं वो मेटालिक मार्कर की मदद से, वो रूलर की मदद से यहाँ पर उसके ऊपर आराम से उसको मैं फिर से लिख रही हूँ। लेकिन मेक श्योर अगर आप ऐसा ब्लॉक्स वाला बना रहे हो तो विद द हेल्प ऑफ ए स्केल और ए रूलर आप यू नो ट्राई टू ड्रॉ इट। मैं पहले ट्राई किए नॉर्मली फ्री हैंड में ड्रॉ करने के लिए लेकिन वो जो लाइन से अच्छे स्ट्रेट नहीं आ रहे थे। तो अभी मैं वही कर रही हूँ, उसके ऊपर मैं सिल्वर वाला कलर चूज़ की हूँ ताकि वो अच्छा वाला जो ओरिजिनल चौक वाला फीलिंग आए। अगर आप चाहो तो कोई भी कलर चूज़ कर सकते हो बट लेकिन क्योंकि हम लोग का ये प्रिशा वाला जो नेम है हम लोग काफ़ी बड़ा रखे थे ताकि वो हाईलाइट ऑफ द यू नो चॉकबोर्ड यानी कि बर्थडे बोर्ड का हाईलाइट रहे। उसके बाद मैं क्या की हूँ, जो राइटिंग पार्ट और जो लेटर्स है उसके अंदर मैं कलर वाला मार्कर से फिल कर रही हूँ। मैं यहाँ पे पिंक कलर मार्कर लेके फिल कर रही हूँ क्योंकि ये बेबी गर्ल का बर्थडे बोर्ड था। अगर आप बॉय के हिसाब से कर रहे हो तो आप कोई ब्लू कलर भी चूज़ कर सकते हो या फिर अगर आप चाहो तो लाइन्स भी ड्रॉ कर सकते हो इंस्टेड ऑफ फिलिंग आउट कम्प्लीटली। सो इट्स अप टू यू हाउ यू वॉन्ट टू फिल इट और इवन इफ यू वॉन्ट यू कैन जस्ट लीव इट ब्लैंक। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि जिसका बर्थडे मना रहे हो अभी वो कितने साल की हो रही है या फिर कितने साल का हो रहा है, नाउ यू वॉन्ट टू राइट दैट अप। सो फॉर दैट अभी मैं अभी एक
पेंसिल की मदद से एक रफली रिबन सा ड्रॉ कर रही हूँ। मैं पूरे बोर्ड को पहले मैं हर चीज़ को रफली पेंसिल की मदद से ड्रॉ कर रही हूँ, उसके बाद फिर मार्कर में मैं फिल कर रही हूँ। एंड आई वुड डेफिनेटली हाईली रिकमेंड टू डू दैट। तो अभी मैं एक रिबन सा ड्रॉ की, फ्री हैंड में ड्रॉ की, मैं कोई पेंसिल या फिर कोई रूलर यूज़ नहीं की। उसके बाद फिर मैं गोल्डन कलर का मार्कर लेके उसको फिर फिल कर रही हूँ ताकि वो 3D वाला इफेक्ट दे। और उसके अंदर मैं फिर लिख रही हूँ माय फर्स्ट बर्थडे, पहले हो गया नाम, उसके बाद आप लिख रहे हो बेबी का कितने नंबर का बर्थडे आप सेलिब्रेट कर रहे हो। आप ये वाला जो चॉकबोर्ड है, आप ना कि ओनली बर्थडे पे, आप इनफैक्ट जो आजकल जो प्री वेडिंग फ़ोटोशूट भी कर रहे हैं, यू नो सेव द डेट, फिर लड़का और लड़की का नाम, ब्राइड और ग्रूम नेम्स एंड एवरीथिंग, राइट? यू कैन डू फॉर दैट एज वेल, यू नो राइट द ग्रूम एंड ब्राइड नेम एंड देन यू कैन जस्ट राइट सेव द डेट एंड द डेट एंड द ईयर एंड एवरीथिंग अलॉन्ग विद दैट। इफ़ यू वॉन्ट, यू नो हाउ एवर यू वॉन्ट टू कस्टमाइज, यू कैन डू दैट। सो तो अभी मैं फर्स्ट को हाईलाइट करना चाहती हूँ, तो उसके लिए मैं क्या कि पिंक कलर का अगेन मार्कर लेके फिर उसको मैं लाइन ड्रॉ करनी हूँ इंस्टेड ऑफ फिलिंग इट अप, तो थोड़ा वो डिफरेंस वो पता चले। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, वो फिल होने के बाद हम लोग की जो ब्लैक बोर्ड है उसको मैं 3 सेक्शन में डिवाइड कर दी। तो लेफ्ट मोस्ट सेक्शन में हो रहा है मेरा, यू नो हाउ मच प्रिशाज, यू नो इंच, लाइक वो कितनी टॉल है, उसके बाद उसके वेट कितना है, और उसके बाद उसके पे कितने दांत आ गए हैं एक साल तक। तो ये बेसिकली जो बोर्ड है उसमें प्रिशा की फर्स्ट ईयर में अभी तक क्या क्या हुआ है उसका सारा अचीवमेंट सब वो लिखना है। तो पहले मैं वो वाइट मार्कर में पहले डॉट डॉट करके वो 3 हिस्से में डिवाइड कर दी। फिर जो मैं उसको वो हाइट जहाँ पे लिखूँगी, वेट जहाँ पे लिखूँगी, मैं उसको सर्कल के अंदर लिखना चाहती हूँ। सो व्हाट आई डिड, आई टू के यू नो डब्बे का जो कवर रहता है वो लेके उसको मैं थोड़ा मार्कर के मदद से थोड़ा डॉट कर रही हूँ, ना कि कंप्लीट सर्कल। आई एम नॉट मेकिंग ए कम्प्लीट सर्कल, आई एम जस्ट यू नो मेकिंग ए सिंपल यू नो डॉटेड बॉर्डर। और दोनों जो सर्कल है उसके अंदर मैं एक गोल्डन कलर का मार्कर की मदद से उसको डिवाइड कर रही हूँ ताकि वो इजीली डिफरेंशिएट हो सके। आप कोई भी यू नो इवन आप हार्ट शेप यूज़ कर सकते हो, आप इनफैक्ट यू डोंट हैव टू डू गिव एनी शेप एज वेल। लेटर ऑन यू नो टू राइट डाउन हाउ मच टीथ शी हैज़ ऑलरेडी, तो उसके लिए मैं एक यू नो टूथ का यू नो शेप बना रही हूँ ताकि वो अच्छा सा क्यूट लगे। तो उसके लिए मैं वाइट कलर यानी कि सिल्वर कलर मार्कर का यूज़ कर रही हूँ ताकि वो यू नो अच्छा यू नो रियलिटी वाला वो अच्छा सा लुक दे सके। उसके बाद उसके अंदर मैं फिल कर रही हूँ मार्कर की मदद से, आई एम इतने इंच टॉल में अभी वहाँ पे जो उसका हाइट और वेट वो सब फिल नहीं कर रही हूँ, वो एंड में वो फिल करूँगी। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो लेफ्ट मोस्ट पार्ट ऑलमोस्ट डन है। उसके बाद आप पहले यू नो पेंसिल के मदद से लिखिए, उसके बाद मार्कर में लिखिए, और जो आपको लग रहा है कि अगर वो थोड़ा पतला है तो यू कैन गो अहेड एंड यू नो राइट इट डाउन वंस अगेन टू थिकन इट अप वन मोर टाइम। सो दिस पार्ट इज़ कम्प्लीट। नाउ फॉर द सेंटर पार्ट, आई टुक द बर्थडे गर्ल पिक्चर to stick on to the center of the board. So I just took her you know a birthday time picture and I'm just applying some glue on top of that and I'm going to stick it on the center of the board so that it will give a you know different altogether look to the birthday board and all the people who are going to read the board, they can you know see her how she was looking when she born and how much she has changed and everything. And so just down to the picture I'm writing I love, like what the birthday girl loves. So this is the middle section. As I mentioned earlier, I have divided the board in the 3 parts. So this is the second section. So in this section, what I'm writing is I love. Like here I'm writing what my daughter really love enjoying doing. Like she really enjoys playing peekaboo and then being tickled. And then she really loves when her father यू नो थ्रोइंग अप हर इन द एयर। सो आप कुछ भी लिख सकते हो जो आपकी बेबी को अच्छा लगे। सो वॉट आई हैव डन इज जो फर्स्ट हेडिंग जो है आई लव करके उसको मैं बोल्ड में लिखी हूँ एंड देन आई वेंट अहेड विथ लाइक स्मॉल लेटर्स द रेगुलर फॉन्ट में और आई टुक 2 कलर्स फॉर ईच सेक्शन सो दैट इट विल बी ईजी फॉर ऑल द व्यूअर्स हु वॉन्ट्स टू रीड।
The next section is favorite foods, like what the birthday girl or the birthday boy or your baby really enjoy eating or having food. So her or his favorite food you can write. जैसे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैं स्ट्रॉबेरी के लिए पिंक में लिखी हूँ ताकि वो थोड़ा सा रिजेंबल कर सके. खिचड़ी के लिए मैं येलो पे यानी कि गोल्डन पे गई. तो वही ऑल द स्मॉल स्मॉल थिंग यू कैन डू. दे आर यू नो दिस आर वेरी स्मॉल स्मॉल थिंग बट डेफिनेटली इट विल गिव यू यू नो कस्टमाइज यू नो बेबी बोर्ड लुक. सो द थर्ड सेक्शन कम्स एज आई कैन. तो अभी यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो कि आपकी बेबी अभी क्या क्या कर सकता है यानी कि और क्या क्या कर सकती है. लाइक आपकी बेबी अगर वेव कर सकती है, बाय बोल सकती है, क्लैप कर सकती है, यू नो अगर आपकी बेबी कुछ वर्ड्स बोल रही हैं पापा मामा दादा कुछ भी, यू कैन राइट डाउन दैट. एंड आप अपने हिसाब से कलर या फिर फॉन्ट चूज़ कर सकते हो. फिर आप अपने नेक्स्ट में मैं लिख रही हूँ फेवरेट लुलाबाइज. जैसे कोई गाना अगर आपके बेबी को पसंद है तो मैं यहाँ पे पूरे गाने नहीं लिख रही हूँ, कुछ कुछ लिख के फिर हाफ पोर्शन ब्लैंक छोड़ रही हूँ ताकि उस जगह पे मैं गाना को कंप्लीट करने के लिए मैं स्टिकर की मदद से उसको कंप्लीट कर सकूँ. तो एट द एंड मैं ये कुछ स्टिकर्स लाई हूँ स्टोर से. आपको ऐसे स्टिकर्स कहीं पर भी मिल जाएंगे और ये स्टिकर लगाने से ये बोर्ड बहुत ही सुंदर दिखते हैं. आप ज़रूर लगाइए ऐसे कुछ स्टिकर्स अगर आपको मिलते हैं तो. तो मैं यहाँ पे जो हैप्पी बर्थडे बैनर्स स्टिकर्स जो मिलते हैं वो लगा रही हूँ. उसके बाद अब उसके बर्थडे के थीम के हिसाब से हम लोग कुछ प्रिंसेसी स्टिकर लाए, कैसल्स, प्रिंसेसी क्राउन्स और वो सब भी यहाँ पे चिपका रहे हैं. मैं बोलूँ अगर आप कोई प्रोफेशनल को भी दोगे ना ये बनाने के लिए तो वो लोग सिर्फ ड्रॉ कर देंगे. ऐसे ढूंढ ढूंढ के पूरे हिसाब से अपने मन के पसंद के हिसाब से ऐसे स्टिकर्स ला के वो लोग भी नहीं लगाते. इसके बाद मैं ये वाला कुछ 3D वाला स्टिकर लाई हूँ. जैसे कि मैं बोली थी उसके फेवरेट लुलाबाइज की तरफ मैं पूरे सॉन्ग्स नहीं लिखी थी, ओल्ड मैकडोनल्ड हेडे करके फिर छोड़ दी थी. उसके बाद फिर मैं वो 3D वाला फार्म वाला स्टिकर लगाई थी और फिर फार्म के हिसाब से उसके ऊपर एक यू नो फार्म हाउस का स्टिकर लगाई थी. बाबा ब्लैक शिप नहीं लिखी थी, फिर बाबा ब्लैक लिख के उसके बाद एक शिप का 3D वाला स्टिकर लगाई थी. यू नो बहुत अच्छा सा यू नो कस्टमाइज वाला वो लुक लाने के लिए. उसके बाद मैं कुछ बलून्स ड्रॉ की उसके पिक्चर्स की दोनों तरफ, फिर एक लिप ड्रॉ की जहाँ पे ब्लो एक किस का लिखा गया है. ये छोटी छोटी चीज़ ना बहुत अच्छा दिखता है. एंड देन विद द हेल्प ऑफ फ्यू स्टेंसिल्स आई ड्रू सम फेदर इन बिटवीन टू सेक्शन टू प्रोवाइड एज सम डिवाइडर. एंड विद द हेल्प ऑफ यू नो गोल्डन कलर एंड सिल्वर कलर इट वॉज लुकिंग सो ब्यूटिफुल. ऑल्सो आई एडेड फ्यू यू नो प्रिंट आउट्स ऑफ ऑल द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. माई हस्बैंड गॉट फ्यू ऑफ देम. उसके बाद मैं कुछ हैंगिंग स्टार्स ड्रॉ की, स्टार्स बना ली वहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हो बलून्स की जगह पे. एंड विद द हेल्प ऑफ माई यू नो ग्लू मेकअप सॉरी ग्लिटर मेकअप, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो गोल्डन एंड सिल्वर, मैं वहाँ पे थोड़ा थोड़ा वो लगा दी वो ग्लिटर्स ताकि वो अच्छा सा शाइनी वाला स्टार वाला स्पार्कली वाला लुक दे सके. और बस हम लोग का जो चॉकबोर्ड है वो तैयार हो चुका है. बहुत ही ईजी है और बहुत सस्ते में हो जाता है. तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा. बस मेक श्योर कि आप पहले एक रफ पेपर में ड्रॉ कर दीजिए, सब कुछ लिख लीजिए ताकि आपको क्या लिखना है और उसके बाद सब कुछ यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए. आई होप आप लोग को ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो, दोनों चीज़ फोटो फ्रेम एज वेल एज ये वाला बोर्ड. अगर आप चाहते हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए. और अगर आप और भी DIY वीडियो देखना चाहते हो मैं तो मेरे चैनल पर और भी है जो मैं पास्ट में बनाई हूँ. सो आई लीव ऑल द वीडियो लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. सो प्लीज़ डू चेक देम आउट. अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.